हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनलॉकिंग मैथ स्किल्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है csir नेट दिसंबर 2018 का, और क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट एफ फ्रॉम सी टू सी बी ए नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन, एंड लेट इमेज ऑफ एफ डिफाइन कर रखा है सेट ऑफ ऑल W belongs to C such that there exists Z belongs to C such that F of Z is equals to W. Then हमें क्वेश्चन पूछ रखा है इमेज ऑफ F के बारे में। ऑप्शन फर्स्ट इज द इंटीरियर ऑफ इमेज F इज एम्प्टी। ऑप्शन टू इज इमेज F इंटरसेक्ट्स एवरी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजन। ऑप्शन थ्री देर एग्जिस्ट अ डिस्क इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम इमेज ऑफ F। एंड ऑप्शन फोर इज इमेज एफ कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो क्वेश्चन में एक तो हमें नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन गिवन है, और इमेज ऑफ एफ के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे बाय पिकार्ड्स थ्योरम। तो देखिए, पिकार्ड थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अ नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन कैन ओमिट एटमोस्ट वन पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो क्वेश्चन थ्योरम क्या बोलती है कि जो नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन है उसकी रेंज जो है वो एटमोस्ट वन पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन से छोड़ सकती है। इट मीन्स जो रेंज ऑफ एफ होगी वो या तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आएगी या पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से एक पॉइंट को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इट मीन्स जो रेंज आएगी वो या तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आएगी या सी बाय एक कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के आएगी। तो देखिए, इस कंसेप्ट का हम यूज़ करते हैं ऑप्शंस में। तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट द इंटीरियर ऑफ इमेज इज एम्प्टी। तो अगर हम रेंज ऑफ एफ का ये वाला केस लेंगे तो इसमें जो रेंज हमारा है पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो उसका इंटीरियर क्या आ जाएगा, पूरा वापस कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इसकी बात करेंगे तो इंटीरियर, क्योंकि ये सेट ओपन सेट है, तो इंटीरियर क्या आ जाएगा, सेम सेट। तो इसका इंटीरियर कितना आ जाएगा, सी बाय ए का इंटीरियर ये आ जाएगा सी बाय ए। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा हो गया रॉन्ग, जो कह रहा था द इंटीरियर ऑफ इमेज एफ इज एम्प्टी। ऑप्शन थ्री पे देखते हैं, देयर एग्जिस्ट अ डिस्क इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम इमेज ऑफ एफ। तो अगर हम बात करें रेंज, या तो सी हो सकती है या सी बाय अ सिंगल टन ए, वेयर ए इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रेंज ऑफ एफ, ऑप्शन थ्री क्या बोला कि देयर एग्जिस्ट अ डिस्क इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम इमेज ऑफ एफ। तो अगर हम डिस्क की बात करें, इसमें अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहीं भी एक डिस्क ले लेंगे, ओपन या क्लोज डिस्क कहीं भी ले सकते हैं हम। यहाँ ले लीजिए, ये हमने क्लोज डिस्क ले ली। तो देखिए, इस केस में जो हमारा इमेज सेट है पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन, और उस डिस्क का इंटरसेक्शन डिस्क इटसेल्फ आ जाएगी। इस केस में भी अगर हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की, तो डिस्क इटसेल्फ है या फिर डिस्क ये भी हो सकती है, तब भी इंटरसेक्शन है वो डिसजॉइंट, मतलब इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी कभी नहीं आएगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन फोर की अगर बात करें कि इमेज ऑफ एफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, तो हम ऑप्शन फोर के लिए इस कंट्रा का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन करें एफ ऑफ जेड इक्वल टू की पावर जेड, जो नॉन कॉन्स्टेंट भी है और एंटायर भी है, अगर हम रेंज की बात करें, रेंज या इमेज ऑफ एफ की, वो आती है सी बाय
जीरो जीरो यानी कि ओरिजिन निकाल दिया, ठीक है, और इमेज ऑफ एफ, और हम बात करेंगे जब इसके डेराइव सेट की, इट मीन्स सेट ऑफ ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, वो आएगा पूरा कॉम्प्लेक्स सेट। इट मीन्स ये ऑप्शन इस कंट्रास्ट से रॉन्ग प्रूफ हो गया, क्योंकि इमेज ऑफ एफ आ रहा है सी बाय जीरो जीरो, इट मीन्स ओरिजिन निकाल दिया है, और डेराइव सेट का आ रहा है पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो इस सेट ने सारे के सारे अपने लिमिट पॉइंट्स को कंटेन नहीं किया। अब देखिए अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो देखिए ऑप्शन सेकंड क्या कह रहा है कि इमेज ऑफ एफ इंटरसेक्ट्स एवरी, इमेज ऑफ एफ की बात करें तो दो पॉसिबिलिटी थी, एक तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन और एक कॉम्प्लेक्स प्लेन से कोई भी एक पॉइंट रिमूव कर दीजिए आप, ये मान लीजिए पॉइंट रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। अब बोला कि इमेज ऑफ एफ जो है इंटरसेक्ट्स एवरी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर हम कोई भी लाइन पास करा दें ओरिजिन से, कोई भी लाइन पास करा दें, तो इस केस में उस लाइन का इंटरसेक्शन पक्का कुछ ना कुछ पॉइंट्स आएंगे, इट मीन्स इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि दोनों कुछ ना कुछ पॉइंट्स कॉमन आएंगे, इट मीन्स हमारा सेकंड ऑप्शन राइट है। थैंक यू सो मच।